हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त योगिता और आप देख रहे हो मेरा चैनल चीप एंड ट्रेंडी योगिता। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे कुछ ऐसे ब्यूटी टिप्स की जो कि सभी को पता होती है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। तो आज हम बात करेंगे अपने डेली ब्यूटी रूटीन की। तो पहले बात करते हैं डेली ब्यूटी रूटीन के अंदर सबसे पहले जरूरी होता है हमारी स्किन को हाइड्रेट करना और अच्छी नींद लेना। बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि 8 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है लेकिन वो फिर भी 8 घंटे की नींद नहीं लेते। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि 8 घंटे की नींद लेना क्यों ज़रूरी होता है। वो आपके स्किन के लिए अच्छा होता है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। दूसरी चीज़, वो एक सबसे ज़रूरी काम करती है 8 घंटे की नींद, वो आपके लिए एंटी एजिंग का काम करती है। अगर आप अच्छे से सोएंगे तो आपके फेस पे रिंकल्स वगैरह काफ़ी लेट आएंगे, आपका फेस रिलैक्स दिखेगा और आप यंग नजर आएंगे। दूसरी चीज़ है ओवरनाइट मॉइस्चराइज़र। अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करते हैं तो वो भी एंटी एजिंग का काम ही करता है। वो आपके स्किन के ऊपर जो स्किन को एक तो पहले यंग लगती है स्किन, उसके बाद वो आपकी स्किन के ऊपर जो रिंकल्स होते हैं, जो हल्की हल्की लाइन्स आ जाती हैं, उनको आने के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, थोड़ा सा नहीं आते मतलब इतनी आसानी से अगर आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करते हैं। मॉइस्चराइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने अभी आप आए नहाकर या फेस आपने वॉश किया और मॉइस्चराइजेशन कर लिया, या आपको लगा कि अरे यार मेरी स्किन तो थोड़ी सी ड्राई लग रही है और मैं मॉइस्चराइज कर लूँ, ऐसे नहीं होता। अपनी स्किन को ड्राई ही नहीं होने देना है, उसको इतना मॉइस्चराइज कर रखना है कि वो बिल्कुल ड्राई ही फील ना करे। क्योंकि ड्राई होने के बाद आप मॉइस्चराइज करते हैं तो वो तो एक ही बार का टेम्परेरी हो जाता है। लेकिन स्किन केयर ब्यूटी रूटीन के अंदर मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि अपनी स्किन को ड्राई ही नहीं होने देना, उसको हर वक्त हाइड्रेट रखना है, हर वक्त मॉइस्चराइज रखना है। और दूसरी चीज़, ये नींद के साथ साथ ज़रूरी है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना, तो पानी पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मतलब कि आपके पास कोई प्रॉपर मॉइस्चराइजर नहीं है, प्रॉपर क्रीम नहीं है, अगर एक दो दिन आते तो मिस मत कीजिए। घर के अंदर आपके पास हमेशा कोकोनट ऑयल होता है या फिर कोई और ऑयल होता है या देसी घी होता है, तो आप उसको लगा सकते हैं। बेस्ट तो कोकोनट ऑयल है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल लगाइए, रात के टाइम पे स्किन मॉइस्चराइज रहेगी। तो स्किन का जो है मॉइस्चराइजर कभी घटना नहीं चाहिए, स्किन का मॉइस्चराइजर लेवल जो है हमेशा बरकरार रखना चाहिए, जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट लगेगी, स्मूथ लगेगी, यंग लगेगी और प्लम्पी लगेगी। और बात करते हैं टिप नंबर 2 की। तो दूसरी टिप मैं आपको ये दूंगी कि अपने मॉइस्चराइज लेवल को हमेशा बढ़ाना चाहिए। जो आपका मॉइस्चराइजर लेवल होता है स्किन का, उसको बढ़ा के रखना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सूख जाए मुंह उसके बाद आप लगा रहे हो। तो इसके लिए आप किसी स्किन अच्छे से स्किन सीरम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई सा स्किन सीरम ले सकते हैं। स्किन सीरम का जो असर होता है, लगाते ही आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या लगा लिया, लेकिन धीरे धीरे 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर आपको उसका इफेक्ट पता चलेगा, आपके जो ब्लेमिशेस है उसको फेड करेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो आपके जो रिंकल्स की जो हल्की हल्की सी स्टार्टिंग होनी शुरू हो जाती है, जो फाइन लाइन्स पड़ने लग जाती हैं आंखों के नीचे और इधर वो और इस साइड पे यहाँ पर, तो वो उसको क्लियर करता है। तो सीरम बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे से स्किन सीरम के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए और फिर देखिए धीरे धीरे आप चाहो तो अपना लेवल बढ़ा सकते हो। थोड़ा और अच्छा ट्राई कीजिए, या फिर अगर कोई आपको परफेक्टली सूट करता है तो आप उसके ऊपर ही रहिए। स्किन सीरम बहुत ज़रूरी होता है, एंटी एजिंग का काम करता है, आपकी स्किन को क्लियर दिखाता है, यंग दिखाता है, स्मूथ रखता है। थर्ड चीज़ ये होती है कि आपके जो थर्ड टिप्स मैं आपको दे रही हूँ ब्यूटी रूटीन के अंदर, उसके अंदर ये है कि हमारे एक्ने हो जाते हैं, एक्ने का जो ब्रेकआउट होता है उसके बाद स्किन दरदरी हो जाती है, या फिर हम एक्ने को निकालते हैं या कुछ भी करते हैं एक्ने के लिए, उसके बाद स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे ही मत छोड़िए, स्किन को एक्सफोलिएट कीजिए तो जो उसका ऊपर का सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगा। तो एक्ने के बाद, एक्ने के ब्रेकआउट के बाद आप स्किन को एक्सफोलिएट कीजिए, जिससे कि स्किन का जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाएगा। और फिर उसको मॉइस्चराइज रखिए। मॉइस्चराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्किन केयर रूटीन में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप 30s के हैं, आप 25 के हैं, आप 18 प्लस हैं, आप 35 प्लस हैं, आप 50 प्लस हैं, आप 55 प्लस हैं, तो भी आप किसी भी उम्र के हों, मॉइस्चराइजिंग जो है अपने स्किन को हाइड्रेट रखना और स्किन को मॉइस्चराइजर अच्छे से अच्छा प्रदान करना और अच्छे से अच्छा मॉइस्चराइजर अपने लिए खरीदना और स्किन सीरम लेना, ये एक आपकी स्किन की ज़रूरत है। जैसे एक हम लोगों के लिए ज़रूरत होती है कि हम लोग खाना खा रहे हैं, भूख लग रही है, तो ऐसी स्किन की भी ज़रूरत होती है। वो स्किन की भूख है, उसका हमेशा पेट भर के रखना चाहिए, तभी आपकी स्किन हाइड्रेट दिखेगी, यंग दिखेगी और सॉफ्ट एंड सप्पल नज़र आएगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। तो नेक्स्ट टिप मैं आपको बताती हूँ, एक अच्छे से आपकी आँखों के नीचे अगर पफिनेस है और या फिर आपकी
एज जैसे 35 प्लस हो गई है या 30 प्लस में भी कई लोगों को आ जाता है या फिर अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं, तो एक अंडा एक क्रीम लीजिए और उसको अपने डेली स्किन के रूटीन के अंदर उसको फॉलो कीजिए, उसको लगाइए यहाँ पर आंखों के नीचे अच्छे से इस वाली उंगली से मसाज कीजिए मॉइस्चराइजिंग करने के बाद, और फिर उसके बाद मॉइस्चराइज कीजिए उससे अच्छे से अपनी आंखों को, तो ये जो पफिनेस कम होगी, यहाँ के रिंकल्स कम होंगे, यहाँ के जो निशान है तो जिससे सबसे ज़्यादा हमारी उम्र का पता चलता है तो वो भी ठीक होंगे। तो एक अंडर आई क्रीम के अंदर आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, एक अच्छी अंडर आई क्रीम, ये नहीं कि कोई सी क्रीम लगा ली आप, देखिए थोड़ा सर्च कीजिए, थोड़ा हमारे चैनल पे भी सर्च कीजिए और देखकर फिर एक अच्छी अंडर आई क्रीम लीजिए अपने स्किन केयर रूटीन में और उसको यूज़ कीजिए। आप अपने स्किन को कभी भी ऐसे मत छोड़िए, रात को आप जब भी सोते हैं अच्छी सी नाइट क्रीम लीजिए। ये अच्छा था, आजकल बहुत सारे जेल बेस्ड मास्क चल रहे हैं जो आप अपने स्किन को लगाकर सो सकते हैं, तो आप रात के लिए अपने लिए एक स्किन केयर मास्क ले लीजिए। आपने जो भी कुछ लगाना है वो सब लगाने के बाद एक मास्क लगाइए अच्छा सा स्किन के ऊपर और उसको लगाकर सोइए, जो जेल बेस होना चाहिए और जो काफ़ी हैवी भी नहीं लगना चाहिए, और आप उसको लगाकर सोइए और उसको बिल्कुल अपनी जो भी चीज़ अपने फेस पे लगाइए, अंडा ही क्रीम लगाइए, जो भी कुछ लगाए उसको उस पर कवर कर लीजिए और फिर आप आराम से सो सकते हैं। तो एक बार मास्क लगा लिया तो आप सुबह ही उठोगे लगाने के बाद, उससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो उसको डिटॉक्स करता है, जो मास्क होता है स्किन को डिटॉक्स करेगा, दूसरी चीज़ आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा, टेक्सचर अच्छा करेगा, हाइड्रेट रखेगा, तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग और प्लम्पी नज़र आएगी, एकदम यंग सी, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। और एक एक्स्ट्रा टिप मैं देना चाहूँगी जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ और मैं सबको बोलती हूँ करने के लिए, कि सोने से पहले जब आपका बेड टाइम होता है उससे ज़रा से पहले जस्ट 10 या 15 मिनट पहले जब आप बेड पे जाते हैं सोने के लिए, उससे पहले आप एक ग्लास लुकवॉर्म वाटर लीजिए, यानी कि हल्का गर्म पानी, ज़रा तेज़ गर्म मत लीजिए, चाय की तरह मतलब गर्म नहीं होना चाहिए, लुकवॉर्म होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी आपको अंदर से ड्राइनेस दे सकता है, तो इसलिए लुकवॉर्म वाटर आप लीजिए और उसको सिप सिप करके थोड़ी देर 5 मिनट लगा के पी लीजिए, या आप ग्रीन टी ले सकते हैं तो वो ले लीजिए, उसको भी ज़्यादा गर्म नहीं पीना है, नॉर्मल ही टेम्परेचर पर पीना है, वो लेने के बाद आप अपनी नींद दीजिए आराम से। तो लास्ट में रात को ब्यूटी जो हमारा डेली ब्यूटी रूटीन है उसके अंदर ये काम भी कीजिए, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, ये वेट लूज करने में भी काम आता है, बट हम इसको स्किन के तौर पर देखते हैं कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आपको हाइड्रेट रखता है, तो रात को भी ऐसा नहीं अगला सूखेगा तो आप उठोगे, तो लुकवॉर्म वाटर आप लोगे तो वो थोड़ा सा आपको डिटॉक्स करेगा। और हाँ, एक लास्ट टिप और मैं बताऊँगी आपको कि आपको कभी भी अपने स्टमक के पेट के मतलब स्टमक के जैसे लोग लेट जाते हैं ना पेट लगा के नीचे उल्टा होके, मतलब कि ऐसे ही बोलेंगे उल्टा होके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसे करके तकिए पे मुंह रखोगे तो आपका जो स्किन है वो ऐसे खींचेगा या ऐसे खींचेगा या आप ऐसे भी खींच सकता है, तो उससे जिस तरीके से पोस्चर में आप सोओगे उस पोस्चर में आपके फेस पे रिंकल पड़ जाएंगे, उस लाइन पड़ जाएगी और वो लाइन इतनी आसानी से जाती नहीं है, तो स्किन उसी तरफ को मूव हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप सीधे सोएं, अपने पेट के बल ना सोएं, स्टमक के बल सोएं ना, और सीधे सोने की कोशिश कीजिए, या ऐसे साइड में या ऐसे साइड में, मतलब तकिए पे एकदम मुंह उठा के सोना स्किन के लिए तो अच्छा नहीं है, फेस के लिए तो अच्छा नहीं है, तो रिंकल जल्दी जल्दी पैदा करता है वो भी, क्योंकि स्किन एक ही तरफ को इकट्ठी हो जाती है, जिस तरफ को इकट्ठी हो जाएगी उस तरफ को ही वो रिंकल डाल देगी। खैर ये तो मेरा एक्सपीरियंस है और ऐसा शायद साइंटिफिकली भी प्रूव है कि आप अगर तकिए पे जिस तरीके से स्किन को जितनी देर तक रखेंगे उस तरीके से वो स्किन उस तरफ को, कभी कभी हम सुबह उठते हैं तो यहाँ पे लाइन पड़ी होती है, यहाँ पे लाइन पड़ी होती है, हम उल्टे सो रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है स्किन के साथ, इतना जुल्म नहीं करना है, स्किन को बड़ा प्यार से रखना है, क्योंकि वही आपका एक सामने से सबसे पहले ये हमारी शक्ल ही देखता है, तो उसके बाद ही आपको जानता है, तो अपने स्किन को अपने फेस को अच्छा रखना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है सर्दियों में मॉइस्चराइज रखना है। तो ये मेरे सारे टिप्स थे जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ और आपको भी आज मैंने शेयर कर लिया, तो आप इसको फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपकी, मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपकी स्किन में कुछ बदलाव आया या कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबके जवाब दूंगी। दूसरी चीज़ ये, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ मिलती रहे और आपको आगे मेरे आने वाली अगली वीडियो के बारे में पता चले। तो इसी के साथ बाय बाय टाटा, सी यू, मिलते रहेंगे।